हमारे वसई तालुका के अंदर कहीं गैस पाइपलाइन है क्या? झूठी प्रसिद्धि लेना बंद करो और हमको ये बताओ कि वसई की जनता को 500 रुपए में गैस कनेक्शन कब दोगे? पानी के लिए तरस रहे, पानी के कनेक्शन के लिए पैसा भरने को नहीं। अगर आप चाहते हो उनको 90% की छूट दिला। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र विवादों का शहर माना जाता है, जहां इसकी टोपी उसके सर वो किसी कसे कोई और ले जाए ये आम बात है। वहीं अभी हाल ही में बहुजन विकास आघाड़ी के विधायक क्षितिज ठाकुर ने गुजरात गैस लिमिटेड को पत्र लिखकर पाइप द्वारा गैस कनेक्शन में डिपॉजिट के तौर पर भरी जाने वाली रकम में 90% कमी करवाकर अब मात्र 500 रुपए में पाइप द्वारा गैस कनेक्शन किया जाएगा। उनका ये सफल प्रयास सोशल मीडिया व अखबारों में छाया हो रहा। वहीं इस मामले में भाजपा के वसई विरार शहर जिला उपाध्यक्ष मनोज बारोट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अब तक वसई विरार में पाइप द्वारा गैस कनेक्शन कहां आया है। उनका कहना है कि अगर कुछ कम करवाना है तो पानी कनेक्शन में जो हजारों लगते हैं उसमें कम क्यों नहीं करवा रहे? गैस कनेक्शन तो पहले से ही सुनियोजित था। सबसे पहले तो हाल अभी नवरात्रि चल रही है, तो हमारे वसई तालुका की सभी जनता को मैं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आपने जो सवाल किया वो सवाल को लेके मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि ये गुजरात गैस एजेंसी ने बिल्कुल जो आपने सवाल किया वो उचित है कि उन्होंने पत्र दिया है। 28 सितंबर को एक पत्र दिया था गुजरात गैस को और गुजरात गैस ने उनको रिप्लाई दिया है और उसमें क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि नई स्कीम के मुताबिक हम लोग पहले कुछ 5,618 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते थे, उसके बदले में आज हम लोग सिर्फ 500 रुपए लेके कोरोना काल की परिस्थिति को देखते हुए सिर्फ 500 रुपए में नया कनेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने इसकी प्रसिद्धि ले ली। मेरा सवाल यह है कि जो कनेक्शन मतलब जो ये प्रसिद्धि आपने पत्र दिया उसका प्रसिद्धि आप ले रहे हो, लेकिन किसके लिए ले रहे हो? हमारे वसई तालुका के अंदर कहीं गैस पाइपलाइन है क्या? मैंने इस संदर्भ में गुजरात गैस से जब बात किया, पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 250 कनेक्शन है, वो भी कहां पे है? गुजरात को जो लग के तलासरी है और एक गांव है, फक्त वहां पे 250 गांव है। उन्होंने यहां तक मुझे बोला कि हमारे पास नए निवेदन भी आ रहे हैं लेकिन हम किसी से एक रुपया ले नहीं रहे, क्योंकि हम फिलहाल हम कंडीशन में नहीं है कि लोगों को कनेक्शन दे, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी और ले नहीं रहे। और आप मेरे को इस सवाल, आप 2018 में आपने देखा था उपचुनाव, लोकसभा का उपचुनाव होने वाला था, तभी हमारे वसंत नगरी ग्राउंड में हमारे प्रथम महापौर श्रीमती प्रवीणाताई ठाकुर और गुजरात गैस के सीईओ नितिन पाटिल द्वारा वहां पे उद्घाटन किया गया था। मैं हमारे आमदार साहब को पूछना चाहता हूं कि आज 3 साल हो गया वो गैस कनेक्शन है कहां? 500 रुपए में आप गैस कनेक्शन देना चाहो? वसई की जनता 3 साल से उसके इंतजार में बैठी है। तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि झूठी प्रसिद्धि लेना बंद करो और हमको ये बताओ कि वसई की जनता को 500 रुपए में गैस कनेक्शन कब दोगे? और मैं साथ में ये भी बताना चाहता हूं, अगर इतनी ही जनता के प्रति आपको हमदर्दी है तो वसई तालुका के अंदर हजारों ऐसे गरीब परिवार है, तो आप उनको पानी के लिए तरस रहे, पानी के कनेक्शन के लिए पैसा भरने को नहीं, अगर आप चाहते हो उनको 90% की छूट दिला दीजिए। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।